नमस्कार, समाचार जेसी नगर से। जेसी नगर थाना क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ असफल दुष्कर्म का प्रयास। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती शाम घर के पास खेल रही बच्ची को आरोपी चैन सिंह उठाकर सुनसान इलाके में ले गया, जहां पे दुष्कर्म करने का प्रयास करता कि गांव के लोग बच्ची को ढूंढते हुए आ पहुंचे। इतने में बच्ची को छोड़कर भाग गया। वहां से बच्ची के दादा बच्ची को लेकर थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, जहां पर 6 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों ने यह कहकर भगा दिया कि थाना प्रभारी नहीं है, आप लोग रिपोर्ट दर्ज कराने कल आना। आपको बता दें कि चैन सिंह पिता राम सिंह लोधी जैसी नगर इलाके का फरार स्थायी वारंटी है, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के चलते अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। अगर समय पर ग्रामीण नहीं पहुंचते तो मंदसौर जैसी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। वहीं दोपहर 12 बजे से रात्रि 9 बजे तक मासूम बालिका भूखी प्यासी थाने में बैठी रही और थाना प्रभारी थाने नहीं पहुंचे। मीडिया कर्मियों के थाने पहुंचने पर रात्रि 9 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामला संज्ञान में लेकर आरोपी की खोज जारी। अरे यहाँ नातन को चैन सिंह उठा के ले गया। कौन है चैन सिंह? ये लोधी समाज फरारी में है। कहाँ से उठा ले? आंगन में खेल रही थी, टटा के थे, वो घूम फिर रहा हो सोते से उठा के भाग गया। कहाँ ले गया बच्ची? ये वही की कुटी के यहाँ। यार आप लोगों को कैसे पता चला? एक बच्ची हमारी बुरी बना रही थी, वो लड़की नजर पड़ी तो मोड़ी के खेल रही थी, कहाँ गई सब मोड़ी मोड़ों ने तलाश करी तो जितवाड़े सब कहीं घूम फिर रहा होते थे। चैन सिंह वही नहीं ले गाओ उतरे जान कर इनको जे आ रहे दिखानों में अटकी भाग का छोड़ छाड़। 7 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला आया और उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसके पिताजी और वो बच्ची को थाने में थी और रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और जब मुझे जानकारी मिली, मैंने खुद व्यक्तिगत एसपी से बात की, तब जाके राहतगढ़ एस डी ओ को पहुँचे और रिपोर्ट लिखी। और जिस व्यक्ति पे आरोप लगा है उस व्यक्ति के ऊपर पहले भी आरोप है और केस दर्ज है। मैं समझती हूँ ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है और पुलिस की तरफ से जो लापरवाही हो जाती है इस मामले में उसके नतीजा होता है जो बड़ा रूप बाद में जाते हैं। और जो भी उस समय थाने में उपस्थित थे, मेरा ये मानना है कि इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स में किसी भी तरह की लापरवाही किसी के भी द्वारा नहीं सहन की जाएगी। उन लोग के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने की बात मैंने रखी है। रिपोर्ट दर्ज कराने रात के 9 बज गए, अभी 9 बजे रिपोर्ट दर्ज हुई, क्या कारण रहा सर? भूमि आपके आने की बात है, क्योंकि इस संबंध में मेरी डिटेल जानकारी लेकर अगर किसी प्रकार की लापरवाही कोई बरता होगा तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और कंप्यूटर कुछ मिस्टेक कर रहा था, लाइट मिस्टेक के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, तकनीकी कारणों से हुआ है। अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई।